हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुंबई का स्ट्रीट फूड बड़ा पाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। हम इसे सूखी चटनी और हरी मिर्च को फ्राई करके सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये स्ट्रीट फूड बड़ा पाव आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। हम मुंबई का स्ट्रीट फूड बड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं और साथ में हम लहसुन की सूखी चटनी भी बनाएंगे। तो बड़ा पाव बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है आलू। इसे बटाटा कहते हैं मुंबई में। तो हमने 6 आलू को बॉयल करके छिलके हटा लिए हैं। 150 ग्राम हम बेसन लिए हैं, चने का आटा, अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है दरदरा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और मोटी वाली राई, कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, कड़ी पत्ता, हींग। चटनी के लिए हम मूंगफली, नारियल घिसा हुआ, छिलके वाली लहसुन, सूखी लाल मिर्च और साथ में हम मिर्च को भी फ्राई करेंगे। और फ्राई के लिए हम यहाँ पे तेल यूज करेंगे। पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं। तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे बेसन। ये बेसन थोड़ा मोटा वाला है, ये बड़ा पाव के लिए ही आता है। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं या मीठा सोडा कहते हैं, और आधा चम्मच नमक डालेंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोल बनाएंगे। तो हमें घोल गाढ़ा ही बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे में अच्छे से फेंटना है। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अपने बेसन का घोल एकदम स्मूथ तैयार हुआ है। इसमें कोई लम्स नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऐसी होनी चाहिए। जब हम चम्मच से इसे गिराएं तो इसकी धार पूरा लगी रहनी चाहिए। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आलू और चटनी बना लेंगे। तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। अब हम उसमें डालेंगे राई का दाना और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। ये डालेंगे हींग और साथ में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने 10 लहसुन, 1 इंच अदरक का और 4 हरी मिर्च को दरदरा पेस्ट बना लिया है। और अच्छे से हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम साथ में डालेंगे कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता को हम 2 टुकड़े में तोड़ के डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन में थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च पड़ी है, इसके लिए हम आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर भी डाल लेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
अब हम इसमें आलू को डालेंगे। तो हम यहाँ पे आलू को बारीक घिसेंगे नहीं, ऐसे मुट्ठी से प्रेस करते हुए और टुकड़े में डाल देंगे। कभी भी बड़ा पाव का आलू तैयार करें तो उसे घिसे नहीं, ऐसे ही मैश के डाल दें और साथ में हम डालेंगे हरा धनिया पत्ता। अब सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आलू, धनिया पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अपनी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें से एक बॉल के बराबर लेंगे और हथेलियों से ऐसे गोल कर करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। आपको जितना बड़ा साइज चाहिए बड़ा पाव का, उतना बड़ा आप बॉल बनाइए। चलेंगे तो गैस पे हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम तेल को चेक करेंगे तो उसमें हम एक ड्रॉप बेसन डालेंगे। देखिए ध्यान से, एक बार में अपना बेसन ऊपर बाहर आ गया, तो हम इसे निकाल देते हैं। अब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और ये आलू के बड़े को हम बेसन में ऐसे डालेंगे और घोल से ऐसे डीप करते हुए हम इसे धीरे से अपने तेल में छोड़ देंगे। ऐसे ही हम दूसरे आलू को ऐसे बेसन के घोल में डीप करेंगे और इसे छोड़ देंगे। तो एक बार में जितनी कढ़ाई में आ सके उतना हम बड़ा पाव डालेंगे। ऊपर से हम थोड़ा घोल डाल देंगे और इसे हम तेल से ऊपर ऐसे डाल डाल के पका लेंगे। एक साइड से एक मिनट तक पक जाए तो हम इसे धीरे से टर्न कर लेंगे। तो ऐसे इतना बड़ा जो है दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उस पे एक टिश्यू पेपर रख लेंगे और बड़ा पाव को ऐसे टेढ़ा करते हुए हम निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा तेल जो है वो निकल जाएगा। तो अपना बड़ा बनकर तैयार है। और ऐसे ही हम बाकी के बड़े को फ्राई कर लेंगे, पके और फ्राई कर लेंगे। हम तेल से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर से डाल देंगे और इसे हम उलट लेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों साइड से बड़ा अपना पक चुका है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे टेढ़ा करेंगे, तेल जो निकल जाएगा फिर से हम एक पेपर पे निकाल लेंगे। अब अपना लास्ट स्टेप जो है वो है, हमने हरी मिर्च को ऐसे बीच से कीड़े लगा लगा के रख लिए हैं, क्योंकि बड़ा पाव के साथ हरी मिर्च का मजा अलग ही होता है। तो इसे हम सावधानी से तेल में छोड़ देंगे और हल्का सा फ्राई करके और इसे भी निकाल लेंगे। ये खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है बड़ा पाव के साथ। तो आप देखिए, मिर्च भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, बना लेते हैं। तो हम गैस की तरफ चलेंगे।
गैस पे हमने एक पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम शीन दाना डालेंगे यानी मूंगफली का दाना, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और इसे भी हम कड़क होने तक सेक लेंगे। लाल मिर्च से आवाज आने लगी है, अब हम उसमें डालेंगे छिलके वाली लहसुन। तो चटनी कभी भी आप बनाएं तो छिलका वाला लहसुन ही यूज करें, और इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट बाद हम इसमें घिसा हुआ नारियल डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। नारियल और सिंगदाना में नेचुरल ऑयल होता है तो हम अलग से इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भून चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में पीसेंगे। सामान ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो ऐसे हम इसे एक साथ में डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से ढक्कन लगा के पीस लेंगे। चटनी को हमने मिक्सर में पीस लिया है। ये बड़ा पाव का एक स्पेशल चटनी आता है, इसे सूखी चटनी बोलते हैं। चटनी मिर्च सब हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसकी प्लेटिंग करना बताएंगे। तो हमने पाव को ऐसे बीच से काट लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा सूखी चटनी डालेंगे। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, और हम बड़ा को हल्का सा प्रेस करके इसमें ऐसे दबा देंगे और अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरे पाव को भी सजा लेंगे। थोड़ा सा हम चटनी डालेंगे और इसमें बड़े को ऐसे दबाते हुए ऐसे रख लेंगे, और साइड में हम मिर्च रखेंगे। तो अपना बड़ा पाव बनकर तैयार है। का स्ट्रीट फूड बड़ा पाव बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ये बड़ा पाव की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।